नमस्कार किसान भाइयों, आज बात करेंगे एक ऐसे उपकरण के बारे में जिसकी उपयोगिता बहुत ज़्यादा है लेकिन उसका इस्तेमाल बहुत ही कम हो रहा है। किसान भाइयों, इस उपकरण का नाम है राउंड बेलर, और धान काटने के बाद जो हमारी पराली जो डंठल बच जाता है, ये उस डंठल को इकट्ठा करके, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, इस तरह के गोल गोल बंडल बनाकर, जिसे कि बेल कहा जाता है, इस तरह के बेल बनाने का काम ये उपकरण करता है। अगर हम इस उपकरण का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो हमारी प्रैक्टिसेस आज की डेट में क्या है कि जैसे ही धान हमारा कटाई होता है उसके बाद हम क्या करते हैं, खेत में आग लगा देते हैं, जिसके कारण पॉल्यूशन भी होता है और दूसरा जो हमारे जीव जंतु रहते हैं खेत में, जो कुछ उसमें से हमारे लिए उपयोगी भी होते हैं, वो भी इसमें मर जाते हैं, जिससे कि हमारा नुकसान ही नुकसान होता है। या फिर दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये होता है कि हम एक मल्चर चलाएं, जिससे कि हम इस पूरे धान की पराली को मल्चिंग करके खेत में ही मिक्स कर दें और ये हमारे लिए एक तरह से खाद का काम करेगा। और तीसरा उपाय जो है वो है ये राउंड बेलर, जिसका इस्तेमाल आज की डेट में बहुत ही कम हो रहा है, क्योंकि एक तो ये मशीन थोड़ी सी महंगी आती है और दूसरा हमारे किसान भाइयों को ये जानकारी नहीं है कि इस मशीन से पैसा कैसे कमाया जाए। किसान भाइयों, इस बेल का इस्तेमाल आजकल मशरूम की खेती में हो रहा है, गत्ता बनाने की फैक्ट्रियों में इसका इस्तेमाल हो रहा है, इथेनॉल बनाने वाली कंपनियां इस बेल को खरीद रही हैं, के अलावा सैनिटरी इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल हो रहा है, पैकिंग इंडस्ट्री में धान की पराली का इस्तेमाल हो रहा है। तो आप इन सभी इंडस्ट्रीज में किसी न किसी इंडस्ट्री से टाई अप करके अपने बेल उनको बेच सकते हो और पैसा कमा सकते हो। राज्य सरकारें इस उपकरण पर सब्सिडी भी प्रदान कर रही हैं, तो आप लोग पता करिए, इस इंप्लीमेंट की सब्सिडी के लिए अप्लाई करिए। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल लोधी फार्मिंग ब्लॉग्स को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करिएगा।